आज का आपका टॉपिक है इंडोल, देखते हैं क्या होता है। यह इंडोल का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग हो गई और यहाँ पे इस रिंग के साथ नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। नाम क्या हो सकता है? 2,3 बेंजो पाइरोल, या इसको अल्फा बीटा बेंजो पाइरोल, क्योंकि एक यहाँ पे बेंजीन रिंग है और एक पाइरोल रिंग लगी हुई है। इट इज प्रेजेंट इन जैस्मिन फ्लावर एंड कोलतार, या जो जैस्मिन का फूल होता है उसमें और कोलतार में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। यहाँ पे एमीन, यहाँ यानी एच टू की बात करें तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे CH3COH है और इस कार्बन से लगा हुआ ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, और ये कार्बन यहाँ नाइट्रोजन के साथ कुछ ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ CH2, और इस CH3 को हम CH2 बॉन्ड H लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बेंजीन रिंग, यहाँ N डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH2 को CH बॉन्ड H लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इनके और इनके बीच क्या हो गया, बॉन्ड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, NH, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हो गया इंडोल, यही आपको बनाना था। आप ये चाहे मत लिखिएगा, ये वाला स्टेप यहाँ से छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से और ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड में है फिशर मेथड, यहाँ एमीन लिया गया और यहाँ कीटोन से रिएक्शन कराई गई, H3PO4 की उपस्थिति में और P2O5 की उपस्थिति में क्या बनेगा, इंडोल। हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। द मोस्ट जनरल ऑफ इंडोल सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस इन दिस रिएक्शन, फेनिल हाइड्राजीन इज ट्रीटेड विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन एंड साइक्लेशन, इंडोल इज प्रोड्यूस। ये तो हो गया जनरल पॉइंट, अब इसको हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ NH2 लगा हुआ है और यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होंगे, निकलेंगे। तो यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ NH बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3 को हम ऐसे CH2 बॉन्ड H लिख सकते हैं, यहाँ CH2 बॉन्ड H ऐसे हम लिख सकते हैं। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव अटैच होगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बेंजीन रिंग हो गई, NH बॉन्ड NH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या होगा, H3PO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, यहाँ पे 2H+ होगा। अब क्या होगा, हम एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे, तो क्या बनेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर, और इनके पास लोन पेयर यहाँ दे देगा हाइड्रोजन को, तो इस पर क्या आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन रिंग हो गई, NH2 इस पर क्या, पॉजिटिव चार्ज CH3 डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन मतलब पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना चाहेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो ए कार्बन और ये कार्बन क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तब क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा,
यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 और इनके बीच क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। फिर क्या होगा, यहाँ इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रल, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। इनके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये वाला अब यहाँ पे ये वाला लोन पेयर अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये लोन पेयर अपना इनको दे देंगे, तो फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए NH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड C बॉन्ड NH2 हो जाएगा, और यहाँ CH3 बॉन्ड CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तब क्या होगा, यहाँ CH निकलेगा, यहाँ CH ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड इधर खींचा गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और यहाँ से H प्लस निकल गया, और यहाँ से क्या निकला, NH2, तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसी को हम कहते हैं इंडोल, यही आपको बनाना था। फिर हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल, इट रिजेंबल विथ पायरोल एंड गोज सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पे यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो निगेटिव चार्ज पे करेगा, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, तो 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल आपको देखने को मिलेगा। फ्रॉम एबव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट थर्ड पोजिशन, देयर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट पोजिशन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा थर्ड नंबर पे। इसकी केमिकल रिएक्शन नीचे दी गई है, देख इंडोल की रिएक्शन CH3I से कराएंगे, तो इस पे लोन पेयर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। फिर इसकी रिएक्शन CH3COONO2 पॉजिटिव चार्ज इसे कराएंगे, तो NO2 कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो इसको क्या कहते हैं, 3-nitroindol। फिर इसकी रिएक्शन Br2 से कराएंगे, Br कहाँ अटैक करेगा, इसके थर्ड नंबर पोजीशन पे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं, इसके साथ जब NaNH2 C6H5LiKOH से रिएक्शन होगी, तो यहाँ NH2 लग जाएगा, फिर यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे OH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे सब रिएक्शन हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं मैनेज रिएक्शन है, ये पेपर में आया हुआ है, देख ले। यहाँ पे देखा जाए इसके साथ HCHO इंडोल HCHO और CH3 का होल ट्वाइज NH की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्रेमीन बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ HCOO बॉन्ड H ले लेंगे, यहाँ NH CH3 CH3 हो गया, इसका लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। HCO-H N नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H यहाँ CH3 यहाँ CH3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज पे, तो OH HCHN CH3 CH3। तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH, यहाँ पे HC पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड H डबल बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये बॉन्ड फिर इधर जब शिफ्ट होगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, इस कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज,
ए वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे या तो हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये यही आपके पेपर में आया हुआ है, ऐसे दिया रहेगा और ये आपको बनाना रहेगा। इसी का नाम है ग्रेमीन, या इसी को कहते हैं 3-डाइमेथिल एमिनो मेथिल इंडोल।